नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल के, जहां कई इलाकों में जारी हुआ हीट वेव अलर्ट। साथ ही आगे बात करेंगे एटा की, जहां पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चर्चा करेंगे कैमूर की, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस मुस्तैद। वाहन जांच के दौरान 7,33,000 रुपए पुलिस ने किए जब्त। और भी तमाम खबरों पर आइए, करते हैं विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश में इन दिनों गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। भोपाल सहित कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी है। कुछ जगहों पर गर्म हवाओं के साथ लू चलने का अनुमान है। कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर, मुरैना, भिंड, निवाड़ी, राजगढ़, छतरपुर और पन्ना में तेज गर्म हवाओं के साथ लू चलने का अनुमान है। वहीं भोपाल, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, सतन, रीवा, सिंगरौली और अनूपपुर में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि भोपाल में बीते दिन यानी 21 मई का तापमान 43 डिग्री से ऊपर रहा। वहीं 45.6 डिग्री के साथ रतलाम का तापमान प्रदेश में सबसे ज़्यादा रहा। वहीं बैतूल, छिंदवाड़ा, पाढ़ुरना, सिवनी, बालाघाट और नीमच में हल्की बारिश के आसार हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से इन इलाकों में वर्षा हो सकती है। जी सर, पहले अपना नाम बताइए। नमस्कार, मैं प्रकाश धोले, मौसम विज्ञानी, मौसम केंद्र भोपाल। आज का मौसम शुष्क रहेगा और जो अभी हीट वेव कंडीशंस का जो दौर चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट एमपी, नॉर्थ ईस्ट एमपी तथा मालवा रीजन जो है वेस्ट एमपी का, वहाँ पे जो है हीट वेव की संभावना बनी हुई है। उसके साथ ही जो आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटे में जो सर्वाधिक अधिकतम तापमान रतलाम में 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उसके साथ ही जो है पिछले 24 घंटे में जो है रतलाम, दतिया, नौगांव, गुना, ग्वालियर में जो है हीट वेव दर्ज की गई है। और आने वाले 24 घंटे में संभावना है कि जो है ग्वालियर, दतिया, ग्वालियर, भिंड तथा छतरपुर और यहाँ पे उज्जैन और इंदौर संभाग के कुछ जिलों में जो है हीट वेव हो सकती है। बारिश की संभावना, जैसे कि अभी एक सिस्टम ऊपर में एक पश्चिमी विक्षोभ है जो कि ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। उसके साथ ही एक हरियाणा में जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन 1.5 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल है और उस हरियाणा के साइक्लोनिक सर्कुलेशन से एक नॉर्थ साउथ ट्रफ लाइन बनी है जो कि मराठवाड़ा तक जाती है, जो कि मध्य प्रदेश से होके गुजरती है। तो इन मीन सिस्टम के चलते जो है हल्की आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में। और उसके साथ ही जो है साउथ मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में जो है हल्के गरज चमक के साथ बौछारें कहीं गिरने की संभावना है। तेज हवा भी चल सकती है। धन्यवाद। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर एटा से है। यहां थाना अवागढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खंड विकास अधिकारी अवागढ़ के ऊपर जानलेवा हमला करने की घटना में वांछित चल रहे 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त जेसीबी बरामद की गई है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दी है पुलिस ने, आइए सुनवाते हैं। अवागढ़ में वीडियो अवागढ़ के साथ कुछ अराजक तत्व मिसबिहेव किए, रास्ते में रोक करके जेसीबी मशीन लगाकर गाड़ी रोक करके उनके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचना के दौरान ये प्रकाश में आया कि उसमें एक रोहित यादव नगला थाना का प्रधान है, उसका फादर जिसके 23 केस है और थाने का मजारिया एचएस है, रोहित यादव का भाई है अंकित यादव, दोनों पे 3-3 केस पहले से भी है, SC/ST एक्ट भी लगा हुआ है। ये शातिर अपराधी हैं और इसमें अभी तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जेसीबी मशीन जब्त की जा चुकी है। इन तीनों पे भी अभी 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया है और इनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें और भी जितने नाम आएंगे उन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये रोहित यादव एंड कंपनी पे गुंडा एक गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये भी बता दूं कि इसने ग्राम समाज की ज़मीन कब्जा कर रखा था, दीवार लगा रखा था, प्रशासन ने उसे भी ध्वस्त करा दिया है, नाली गलत बना दिया था, इसके सामने टेढ़ी होकर नाली निकलती थी उसको भी सीधा कराया गया है, तो बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई है और बाकी इनको शीघ्र ही हम गिरफ्तार करेंगे। धन्यवाद। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन की रिपोर्ट। सासाराम संसदीय क्षेत्र लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस काफी मुस्तैद और चौकन्नी हो गई है। कैमूर जिले में आखिरी चरण में 1 जून को मतदान है। ऐसे में जिले के कई जगहों पर पुलिस द्वारा चेक पोस्ट बनाकर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। यहां बनाए गए SST
पॉइंट पर वरीय अधिकारियों ने निर्देशन कर वाहन जांच किया जा रहा था, तभी पुलिस ने 7,33,000 रुपये बरामद कर जब्त करे। बताते रामगढ़ थाना क्षेत्र के जलदहा SST पॉइंट से मजिस्ट्रेट और पुलिस द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में एक कार से 3,50,000 रुपये जब्त किए गए। वहीं दूसरी कार्रवाई NH2 स्थित कुदरा थाना के पचखागंज के पास रोहतास की तरफ से आ रहे एक इनोवा कार से जाँच के दौरान 3,83,000 रुपये बरामद कर जब्त किए गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए कुदरा थाना अध्यक्ष ने क्या कुछ बताया है, आइए सुनवाते हैं। क्या मामला है? यहाँ SST की टीम के द्वारा जो जांच पड़ताल किया जा रहा था, जांच पड़ताल के क्रम में 3,83,000 रुपये केस बरामद। ये कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? ये बता रहे हैं कि हम देवघर से आ रहे हैं, लेकिन पैसा के संबंध में कोई स्पष्ट बात नहीं बता रहे, इसलिए इनका पैसा को जो सीज कर लिया गया, अग्रिम जाँच पड़ताल की जा रही है। क्या नाम? कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के शासकीय विभागों से बकाया विद्युत बिल के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जिले के 3,875 शासकीय उपभोक्ताओं के 17,75,00,000 रुपए के बकाया विद्युत बिल वसूलना विभाग के लिए चुनौती बना है। ऐसे में आम उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत विभाग की दोहरी नीति से काफ़ी नाराज़ हैं। यहाँ आम उपभोक्ताओं का कहना है कि किसान का अगर 2 से 3 महीने का विद्युत बिल नहीं पटाने से विद्युत कनेक्शन काट दिया जाता है, जिससे आम उपभोक्ता परेशान होते हैं। शासकीय विभागों के करोड़ों बकाया वसूलने में विद्युत विभाग रियासत बरतती है। वहीं विद्युत विभाग के कार्यपालन यंत्री का कहना है कि शासकीय विभागों के 1 साल का बकाया राशि 17,75,00,000 रुपये है, वसूली के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं। गौरतलब है कि जिले की 13 शासकीय विभागों के 3,885 उपभोक्ताओं के 17,75,54,134 रुपये वर्ष 2023-24 का बकाया विद्युत राशि है, जिसमें पुलिस विभाग, अस्पताल, वन विभाग समेत कई शासकीय विभाग शामिल हैं। ये आम उपभोक्ताओं के साथ एकदम दोहरी नीति का इस्तेमाल करती है विद्युत विभाग। हम आम किसान हैं, हम अपने खेती बाड़ी के भरोसे रहते हैं और हमारा फसल अच्छा नहीं हुआ तो हम बिजली बिल नहीं पटा पाते हैं, और 1-2 महीने अगर हम बिजली बिल नहीं पटाएँ तो हमारा विद्युत कनेक्शन काट दिया जाता है, हम इससे परेशान हैं। वहीं शासकीय कार्यालयों में दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी सुनने में आया है कि 10 से 12 करोड़ 15 करोड़ बकाया है। आपका तहसील कार्यालय हो, कलेक्ट्रेट हो, या आपका अस्पताल हो, थाना हो, हर शासकीय कार्यालय में लाखों करोड़ों का बिजली बिल बकाया है, लेकिन वहाँ विद्युत कनेक्शन काटने की कार्रवाई नहीं की जाती है। और हम जैसे आम उपभोक्ताओं, हम किसानों को लगातार विद्युत विभाग के द्वारा परेशान किया जाता है, अगर समय पे बिजली बिल ना पटाए तो हमारा कनेक्शन काट दिया जाता है। और हम खेती मेन हमारा है कि हम खेती बाड़ी पे डिपेंड रहते हैं, अगर हमारा फसल नुकसान हो गया तो हम बिजली बिल कहाँ से पटाएं। सरकारी कनेक्शनों में करीब करीब हमारे यहाँ 17,75,00,000 का बकाया राशि है, जिसमें कंज्यूमर संख्या है 3,885। और मेनली हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट सरकारी कनेक्शनों में बड़े बकायेदार हैं, महिला बाल विकास 1,11,00,000, ग्राम पंचायत का जो नल जल योजना वाटर वर्क्स का जो कनेक्शन होता है उसमें 1,63,00,000, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग में आपका 68,00,000। इनको समय समय पर हम लोग मार्च के पहले ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मार्च के छः महीने पहले हम लोग इनको नोटिस सर्व करते हैं बिल पेमेंट करने के लिए, बिल भुगतान करने के लिए। कुछ विभागों का भुगतान शासन की ओर से हमें प्राप्त हो जाता है और कुछ का नहीं हो पाता है, तो वो बकाया राशि में जुड़ते ही चलते रहता है। कितना चुनौती रहता है सर बकाया राशि लेने के लिए? बकाया राशि सरकारी का तो उतना ज़्यादा चैलेंज नहीं रहता है, हमको नोटिस बस जारी करना रहता है और नोटिस के थ्रू ही पेमेंट करवाना रहता है, क्योंकि ये लोक हित का से संबंधित रहता है, तो उसमें उतना ज़्यादा नहीं करते हैं। बाकी सूचना के माध्यम से बिजली बकाया राशि की वसूली या टेलीफोनिक माध्यम से हेड ऑफ डिपार्टमेंट को
संपर्क ऑफिस में करते हैं। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के नागरा गांव में दूषित पानी पीने से एक बच्चे की मौत हो गई, 3 दर्जन लोग बीमार हैं। बीमार लोगों का इलाज नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। सूचना के बाद SDOP और नायब तहसीलदार साथ ही पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिला अस्पताल पहुंचे। यहां पूरा मामला विकासखंड टीकमगढ़ के नगारा गांव का है। कल शाम गांव के बच्चे ने खाना खाने के बाद कुएं का पानी पिया और इसके बाद उससे उल्टी होनी शुरू हो गई। 3 बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर एक बच्चे की हालत ज़्यादा गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर करा गया और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसके अलावा गांव में करीब 30 अन्य लोग बीमार हैं, जिनका गांव में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा इलाज किया जा रहा है। इस पूरे मामले में जिला स्वास्थ्य विभाग का क्या कहना है, ग्रामीणों का क्या कहना है, आइए सुनवाते हैं। बच्चे ये खत्म हो चुका है, भागीरथ अहिवार का बच्चा राज्य अहिवार खत्म हो गया जहाँ से, और अभी एकदम से सीरियस बबलू अहिवा है, उसकी बच्ची 3 साल की, असंभव जो बची हो, बहुत सीरियस है। अभी हाल में 18 केस हैं, कछुई एम्बुलेंस गाड़ी उठा भी नहीं आई। अच्छा, कुछ प्राइवेट में गए हैं? प्राइवेट में भी गए और बड़ा गांव में। अब बड़ा भाग आए हम जब से जाने का ही नहीं, लेकिन टीकमगढ़ आए लगभग, टीकमगढ़ रेफर हुए हैं। अच्छा, किस कारण से ये बीमारी फैली है कोई बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जो एक कुगा का पानी हरिजन बस्ती में चल रहा है, केवल उतने ही बच्चे बीमार है। अच्छा, बाकी पूरी बस्ती में कहीं बीमारी नहीं। अच्छा, जिस कुएं से इन लोगों ने पानी पिया वही लोग बीमार हैं। आज जो हम लोगों ने घर घर जाके जो है ना लोगों का सर्वे किया, उनके घर से पूछा कि क्या हिस्ट्री ली, तो यही पता चला कि जो है ना सभी का एक ही आंसर निकल के आ रहा है कि कुएं के पानी पीने के बाद जो है ना सभी ये बीमार हुए। कितने सर कितने बीमार हुए हैं, एक डेड भी है इसमें? इसमें अभी तक 33 लोगों की हमारे पास जो है ना लिस्ट आई है, जिसमें जो है करीब 12 औरतें हैं जो बड़ी हैं 15 साल से ऊपर, और 5 जो है ना मेल हैं। बच्चों में भी जो है ना 16 हैं, तो 12 जो है बच्चियां हैं और 4 जो है ना बच्चे हैं जो बीमार हुए हैं। इनमें से 7 लोगों को अभी हमने जो है ना सुबह 108 एम्बुलेंस से जो है ना जिला अस्पताल शिफ्ट किया। एक बच्चे की डेड हुई है। हाँ, एक बच्चा है राजेंद्र पुत्र भागीरथ अहिवार, उसकी जो है ना कल शाम को 3 बजे के बाद जो है ना डेथ हो गई, वो एक डेथ हुई। सर ये स्थिति निर्मल कैसे हुई, पानी की कहाँ से? देखिए, लोगों को जो भी कारण निकल गया है वो पानी की वजह से भी हो सकता है, तो उनको दस्त लगे हैं और उल्टी होने लगी है, तो उल्टी दस्त के बाद जो है ना पानी में शरीर में पानी की और तत्वों की कमी की वजह से जो है ना ये स्थिति जो है ना थोड़ी सी बिगड़ती गई। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।